तो अगर आप SBI में एक ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहते हो तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से SBI के अंदर ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसका प्रोसेस क्या क्या रहेगा डिटेल्स में मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आपको इसका जो चार्जेस के बारे में जानना है, इसका बेनिफिट के बारे में जानना है तो आप यहां पर वीडियो देख सकते हो। क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्रेडिट कार्ड अप्लाई लिंक, आपको उसी लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद आप इस साइट पे आ जाओगे। यहाँ पर आपको पूछा जाएगा कि आपका पहले से SBI में क्रेडिट कार्ड है। अगर है तो आप यस वाला ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो। अगर नहीं है तो यहाँ पर आपको नो वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद तो आपको थोड़ा सा नीचे आना होगा और यहाँ पर आपको अपना जो पर्सनल डिटेल्स एंटर करना है। उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना टाइटल को सिलेक्ट करना होगा, साथ में जो भी आपका पैन कार्ड में फर्स्ट नेम है, मिडिल नेम है, वो यहाँ पर आपको एंट्री कर देना है और लास्ट नेम। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना रेसिडेंशियल सिटी सिलेक्ट करना होता है, जो भी आपका सिटी है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस एंटर करना होता है। उसके बाद जो भी आप मोबाइल नंबर क्रेडिट कार्ड के अंदर लिंक करना चाहते हो उसी मोबाइल नंबर को एंटर करके टर्म्स कंडीशन को एग्री करके सेंड OTP वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, उसी OTP को यहाँ पर आपको फिलअप करना है। उसके बाद ऑटोमेटिक OTP वेरीफाई हो जाएगा और यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर वेरीफाई दिखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करते हो, यहाँ पर अभी आपको अपना प्रोफेशनल डिटेल्स एंटर करना होता है। पर्सनल डिटेल्स तो कम्प्लीट हो गया है। प्रोफेशनल डिटेल्स एंटर करने के लिए सबसे पहले आपका ऑक्यूपेशन सिलेक्ट करना होता है। रिटायर्ड पर्सन हो या फिर सैलरीड पर्सन हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हो। अगर आप बिजनेस करते हो तो यहाँ पर आप सेल्फ एम्प्लॉयड यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पर अपना ऑक्यूपेशन सिलेक्ट कर देते हो, यहाँ पर आपको अपना किस भी कंपनी से काम करते हो कंपनी का नेम यहाँ पर सिलेक्ट करना है और जो भी आपका डेस्टिनेशन यानी कि जो भी आपका जॉब प्रोफाइल है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना एनुअल इनकम सिलेक्ट करना होता है, मतलब जो भी आपका सालाना कितना इनकम हो जाता है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। साथ में आपका पैन कार्ड का नंबर एंटर करिएगा और पैन कार्ड का जो नंबर पे जो आपका डेट ऑफ बर्थ है उसी डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। उसके साथ आपको नेक्स्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सभी डिटेल्स को फिल करके नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करते हो, आप यहाँ पर फॉरेन रेसिडेंशियल एड्रेस पे आ जाओगे। उसके साथ यहाँ पर आपको अपना हाउस नंबर एंटर करना है, साथ में अपना लोकेलिटी एड्रेस को सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर अपना एड्रेस को दोबारा से एंटर करना है और जो भी आपका रेसिडेंशियल पिन कोड है वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। और उसके बाद आपको अपना नेशनलिटी को सिलेक्ट करके कस्टमर डिक्लेरेशन को टिक करके आपको सबमिट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट वाला ऑप्शन पे क्लिक करते हो, थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट इन द सिंपली क्लिक SBI कार्ड लिख के आ जाएगा और यहाँ पर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मिलेगा। आवर रिप्रेजेंटेटिव विल बी कॉन्टैक्ट यू शॉर्टली लिख के आ जाएगा और यहाँ पर आपको अपना एप्लीकेशन ID नंबर दिखने के लिए मिलेगा। तो इसको आपको कहीं नोट करके रख लेना है और ये बाय डिफॉल्ट आपका मोबाइल नंबर पर भी SMS के जरिए सेंड किया जाता है। उसके बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको कुछ और एडिशनल डिटेल्स देना होता है, जैसे कि आपका फादर नेम, आपका क्वालिफिकेशन क्या है। साथ में आपको अगर पहले से क्रेडिट कार्ड है तो आप ऑल्टरनेटिव क्रेडिट कार्ड नंबर एंटर कर सकते हो और यहाँ पर आपको अपना मदर मिडिल नेम एंटर करना है। साथ में यहाँ पर आपको अपना एडिशनल प्रोफेशनल डिटेल्स देना होता है। उसके लिए यहाँ पर आपको अपना एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स को सिलेक्ट करके जो भी आपका ऑफिस का फ़ोन नंबर है वो आप दे सकते हो। अगर आप यहाँ पर जो क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हो उसमें आपको क्या क्या फीचर का ज़रूरत है वो यहाँ पर आप टिक कर सकते हो, जैसे कि कॉन्टैक्टलेस ट्रांजेक्शन के लिए यहाँ पर आपको डोमेस्टिक इंटरनेशनल मिल जाएगा। ऑनलाइन यूजेस के लिए यहाँ पर आप डोमेस्टिक इंटरनेशनल ऑन कर सकते हो। उसके बाद टर्म्स कंडीशन को एक्सेप्ट करके आपको सबमिट पे क्लिक करना है। उसके बाद रिफर SBI कार्ड टू फैमिली एंड फ्रेंड लिख के आ जाएगा तो यहाँ पर आपको आई डू नॉट वांट रिफर वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको थैंक यू फॉर चूजिंग SBI कार्ड लिख के आ जाएगा। अभी आपको जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है वो यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। उसके लिए यहाँ पर आपको जनरेट OTP वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। एप्लीकेशन नंबर तो यहाँ पर आपको दिखने के लिए मिल जाएगा। जैसे आप जनरेट OTP वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हो, आपका मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, उसी OTP को यहाँ पर आपको डाल देना है। उसके बाद आपको लॉगिन वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
देखिए ओटीपी डाल के जैसे आप लॉगिन वाला ऑप्शन पे क्लिक करते हो, जो भी आप डॉक्यूमेंट्स देना चाहते हो जैसे कि 1 ईयर का ITR हो गया या फिर 6 मंथ जो बैंक स्टेटमेंट होता है वो आप दे सकते हो। 2 ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। जो भी आप डॉक्यूमेंट्स देना चाहते हो उसको आपको सिलेक्ट करना है। उसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको थोड़ा सा नीचे आना होगा। थोड़ा सा नीचे आने के बाद अगर आप बैंक स्टेटमेंट सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पर आपको कौन सा बैंक का स्टेटमेंट देना चाहते हो वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। यानी कि मैं यहाँ पर SBI का ही देने वाला हूँ, तो मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सर्च कर लूँगा। उसके बाद यहाँ पर आपको ब्राउज वाला ऑप्शन पे क्लिक करके जो भी आपका फाइल है, जो भी आपका फाइल में जो आपका डॉक्यूमेंट्स है, PDF है चाहे आपका PNG है, वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। डॉक्यूमेंट्स को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको आपका डॉक्यूमेंट सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपको सबमिट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। देखिए दोस्तों, जैसे आप डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करके सबमिट वाला ऑप्शन पे क्लिक करती हो, थैंक यू लिख के आ जाएगा, यू हैव सक्सेसफुली अपलोडेड दी डॉक्यूमेंट्स लिख के आ जाएगा। अभी आपको शेड्यूल करना होगा, ठीक है। आपको एक शेड्यूल करके अपॉइंटमेंट लेना होगा। उसके लिए आपको नीचे एक ऑप्शन दिखने के लिए मिलेगा शेड्यूल अपॉइंटमेंट का, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप शेड्यूल अपॉइंटमेंट वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हो, आपको यहाँ पर डेट और टाइम सिलेक्ट करना होगा। जो भी आप डेट और टाइम सिलेक्ट करेंगे उसी डेट पे जो SBI कार्ड का जो रिप्रेजेंटेटिव होगा वो आपके घर में आएगा, और आपका जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किया था उसके साथ जो भी आपका जो फिजिकल डॉक्यूमेंट्स है उसको ये वेरीफाई करेगा। तो यहाँ पर आपको डेट और टाइम को सिलेक्ट करना है, और आपका लोकेशन को सिलेक्ट करके आपको बुक वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप बुक वाला ऑप्शन पे क्लिक करते हो, आपका जो अपॉइंटमेंट है वो यहाँ पर बुक हो जाएगा, और उसी डेट पे जो भी SBI कार्ड का जो रिप्रेजेंटेटिव होगा वो आपके घर में आएगा, और आपका जो डॉक्यूमेंट्स है उसको वेरीफाई करेगा। अगर आपका डॉक्यूमेंट सब कुछ वेरीफाई हो जाता है तो आपको वो बोल देगा कि सर आपका जो क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई का प्रोसेस है कम्प्लीट हो गया है। उसके बाद आपको कुछ कॉल वगैरह आएगा आपका डिटेल्स को वेरीफाई करने के लिए, तो आपको उस जो कॉल आएगा उसमें आपको रिप्लाई वगैरह दे देना है। उसके बाद आपका जो क्रेडिट कार्ड का जो अप्लाई करने का प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा, और आपको क्रेडिट कार्ड का जो डिस्पैच है वो आपको SMS के जरिए दे दिया जाएगा। साथ में आपको क्रेडिट कार्ड के अंदर कितना लिमिट मिलता है वो भी आपको SMS के अंदर ही आपको दिखने के लिए मिल जाएगा। सो दोस्तों, कुछ इस तरह से आप SBI सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड के लिए आप इजीली ऑनलाइन अपना मोबाइल से अप्लाई कर सकते हो। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो।